So here's the trophy, guys, and I'm the winner. Hi, Frienda, how are you? केश के बारे में मैं क्या बोलू, मैं एक ही चीज बोलूंगी, सिस्टम. यू नो लवकेश इज काइंड ऑफ अ पर्सन. कैन समबडी हेल्प मी आप किसी को लाइव लेते हो तो आप उसे लाइव से हटाते कैसे? तो सना मकबूल फाइनली इंस्टाग्राम पर लाइव आई थी, जहां पर भाई उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया. जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया. इसके साथ ही उनका हाईएस्ट कितना गया, उनको लाइव में कौन कौन ज्वाइन किया था, और जब वो लाइव में थी तो उनके साथ बहुत सारा प्रॉब्लम्स भी आया, बहुत सारा बखेड़ा भी खड़ा हो गया था. तो आखिर क्या क्या प्रॉब्लम्स आया था, क्या क्या बातें हुई वहां पर, और उनका लाइव वॉचिंग मैक्सिमम कितना गया, पूरा मैं डिटेल में आपको बताता हूँ. तो सना मकबूल के बिग बॉस जीतने पर बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि वो डिजर्विंग नहीं है, किसी और को जीतना चाहिए था बिग बॉस, सना मकबूल बिल्कुल भी डिजर्विंग नहीं है. इस चीज पर सना मकबूल यहाँ अपने लाइव में रिएक्ट की, और वो इस चीज को लेकर क्या बोली है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ. बहुत सारे लोग मेरे बारे में बोल रहे थे शी इज अनडिजर्विंग, आई मीन इवन द कंटेस्टेंट्स आर, यू नो, मैं जितना मैं देख पाई हूँ इंस्टाग्राम पे, आई थिंक द डे मुझे विनर अनाउंस किया था, उसी नेक्स्ट डे एवरीबॉडी वाज लाइक शी इज अनडिजर्विंग, शी डजंट डिजर्व टू विन. तो मुझे थोड़ा बुरा लगा था, बट गाइज ये आप लोगों का प्यार है. सो हियर्स द ट्रॉफी गाइज, एंड आई एम द विनर. ये ट्रॉफी हम सबकी है. आप सब ने इस जर्नी में मेरा साथ दिया, मुझे बहुत ढेर सारा प्यार दिया, तो ये ट्रॉफी आपकी है, मेरी है, हम सबकी है. इसके साथ ही सना मकबूल यहाँ पर लोकेश कटारिया, विशाल पांडे, शिवानी और उनकी जो दोस्ती है, इस चीज पर भी रिएक्ट की. इनकी जो चौकड़ी है, ये चार दोस्तों की जो चौकड़ी है, इस चीज पर रिएक्ट की, और वो क्या बोली है विशाल पांडे और लोकेश कटारिया को लेकर, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ. केश के बारे में मैं क्या बोलू, मैं एक ही चीज बोलूंगी, सिस्टम. हमारी जो ये चौकड़ी है ना, टचवुड, आई वॉन्ट टू कीप देम फॉर एवर इन माई लाइफ. एंड आई थिंक उसको बहुत अच्छे से समझा. यू नो लवकेश इज काइंड ऑफ अ पर्सन जो ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, बट वो अपने दोस्तों को बहुत प्यार करता है, वो अपने दोस्तों को बहुत ऊपर रखता है. तो लवकेश के बारे में जितना भी बोलूँ बहुत कम होगा, क्योंकि आई हैव स्पेंड 42 डेज विथ हिम, और लवकेश ने मतलब लिटरली, यू नो, उसकी छोटे छोटे नुआंसेज है जहाँ पे वो अपना केयर उसने, यू नो, जताया है. लाइक अगर आप सैड हो, अगर आप बात नहीं कर रहे हो, तो लवकेश आएगा, वो अपने ह्यूमर से आपको बोलेगा ठीक हो, यू नो, अपना अपना. हाँ, सो देर आर लिटिल लिटिल नुआंसेस अबाउट लवकेश. लाइक कभी अगर घर में मैं लो फील करती थी तो लवकेश आते थे एंड यू ऑलवेज आस्क. तो शायद से सना मकबूल ये फर्स्ट टाइम इंस्टाग्राम पर लाइव आई थी, और इससे पहले उन्होंने लाइव कभी भी नहीं किया था, तो उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कहां पर क्या क्लिक करना है, कहां पर क्या ऑप्शंस है, कैसे किसी को ऐड करते हैं. और इसी दौरान सना मकबूल एक अननोन बंदे को अपने लाइव में ऐड कर लेती है, वो भी गलती से. अब सना मकबूल को तो हटाने आ नहीं रहा था कि इस बंदे को कैसे हटाऊं लाइव से, पर वो बंदा जो है वो तो हट सकता था ना, और इसी वजह से वो बंदा हट नहीं रहा था, और इस वजह से इस बंदे को इतना ज्यादा गाली पड़ा है कि आप देखकर मतलब हंसी छूट जाएगी आपकी. तो अभी जो मैं वीडियो लगाने वाला हूं उसको देखिएगा, और उसमें नीचे देखिएगा लाइव में उनको, उस बंदे को कितना गाली पड़ रहा है. Can somebody help me how to go back? आप लियोम नहीं मार पा रहे हैं यार, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई डोंट नो, मैंने कभी, मैं कभी जिधर से आपने हैक किया उधर ही तो है ना. गाइस मेरा तो शॉक हो गया. ये तो आप एग्जिट करो, सन्स आप एग्जिट करो प्लीज, मुझे रियली समझ नहीं आ रहा है. मैं कर दे रहा हूं लोग, ये दान गाइस सेट, मेरा तो शॉक हो गया, मुझे रियली नहीं आता है. I really have no clue how does this life work. I am so sorry, I'm very bad at it. मैं life में I think मैंने दो तीन बार. तो आपने देखा कि काफी फनी सिचुएशन हो गया था यहाँ पर सना मकबूल के लिए, और बाकी फैंस के लिए भी. सारे लोग ट्यूटोरियल दे रहे थे सना मकबूल को कि भाई ऐसे ऐसे दबाइए, आप वहाँ पर क्लिक करिए, वहाँ पर क्लिक करिए, सारे लोग समझा रहे. साथ ही उस बंदे को भी बहुत सारी गालियाँ पड़ रही थी. अब इसी चीज को लेकर सना मकबूल ने थोड़ा सा सॉरी भी जताया, साथ ही बोला कि इस बार मैं फुल ट्यूटोरियल के साथ आऊंगी, फिर से एक बार लाइव आऊंगी. और इसी को लेकर यहाँ पर एक इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर किया सना मकबूल ने, वो क्या बोली है आप देखिए. थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई
रही थी, सो आई एम गोना कम बैक लाइव अगेन, थोड़ा ट्यूटोरियल लेके आऊंगी क्योंकि ये तो मेरा चॉप ही हो गया. मुझे लिटरली समझ नहीं आ रहा था कि इस किसको कैसे ऐड करते हैं, किसको कैसे यू नो, जब आप किसी को लाइव लेते हो तो आप उसे लाइव से हटाते कैसे हो, तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था. बट एनीवेज एज आई सेड दैट कि मैं लाइव ज़्यादा नहीं आती हूँ, आई एम नॉट यूज्ड टू दिस, सो कोशिश करूँगी कि अभी इसे अपनी थोड़ी हैबिट बनाऊँ. बट टिल देन कीप इन्जॉइंग, कीप लविंग मी, कीप सपोर्टिंग मी. तो अब बात कर लेते हैं आखिर सना मकबूल का हाईएस्ट व्यू कितना गया था लाइव में. तो यहाँ पर जब तक वो अकेली थी बताया जा रहा है यहाँ पर कि उनका 42-43 हज़ार के आसपास 45 हज़ार तक ही जा रहा था, पर जब शिवानी ने उनको उनके लाइव में जब ज्वाइन किया तब जाकर उनका व्यू जो है, उनका लाइव जो है वो बढ़कर लगभग 62-63 हज़ार हो गया था. और उसके कुछ स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर शिवानी ने जब ज्वाइन किया तो ये बहुत ही पीक पर पहुँच गया था. साथ ही उनके अकेले में भी कुछ स्क्रीनशॉट्स आ रहे हैं, जैसे कि ये वाला आप देख सकते हो कि यहाँ पर उनका 62 हज़ार है जबकि वो बिल्कुल अकेली थी. तो बताया ऐसा जा रहा कि वो जब अकेली थी तो 40-45 हज़ार ही जा रहा था, लेकिन जब शिवानी ने ज्वाइन किया तब जाकर कहीं उनका 62-63 हज़ार गया. अब बात करें कि सना मकबूल ने आखिर कैसे एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया है, तो भाई यहाँ पर सना मकबूल पूरे बिग बॉस की हिस्ट्री की पहली ऐसी विनर बन चुकी है जिनका कि लाइव काउंट जो है, लाइव व्यूज जो है, लाइव के दौरान जो उनका व्यूज है पब्लिक का, वो सबसे कम है. अब तक कोई भी ऐसा विनर नहीं था बिग बॉस का जो कि इंस्टाग्राम पर लाइव आया हो, जीतने के बाद बिग बॉस जीतने के बाद लाइव आया हो और उसका व्यूज जो है लाइव जो है वो इतना डाउन हो. जी दोस्तों, ये सना मकबूल ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है जिन्होंने बिग बॉस जीतने के बाद फर्स्ट टाइम लाइव आया और उनका सबसे कम व्यूज रहा. और इसी चीज़ को लेकर यहाँ पर सना मकबूल ने एक हिस्ट्री क्रिएट कर दिया जो कि उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है. और लाइव के दौरान भी उनको बहुत ही ज़्यादा ट्रॉल किया जा रहा था कि अब लाइव का काउंट देखकर तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि असली डिजर्विंग जो है वो विशाल और लोकेश कटारिया थे. आपको पब्लिक बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, बिग बॉस की मेहरबानी से आप ये शो को, इस शो को जीती हो, इस ट्रॉफी को जीती हो. यह दोस्तों खुद ही एक्सपोज हो गई है कहीं ना कहीं सना मकबूल अपने ही इंस्टाग्राम लाइव में. फिलहाल सना मकबूल का हाइएस्ट 63 हज़ार ही गया, वहीं लोकेश कटारिया विशाल पांडे जब कोलैब करके आए थे लाइव तब उनका लगभग 2,70,000 गया था. इस चीज पर आप क्या कहना चाहोगे कमेंट करके जरूर बताइएगा. इसके साथ ही यहाँ पर शिवानी भी ज्वाइन करती है सना मकबूल को, तो चलिए मैं आपको उनका वीडियो भी दिखा देता हूँ. हालांकि शिवानी से उनका कुछ खास बातचीत नहीं हुआ, बहुत ही ज्यादा नेटवर्क प्रॉब्लम था शिवानी के एरिया में और आवाज अच्छे से आ जा नहीं रहा था. बस थोड़ा सा वो लाइव आई और फिर चली गई क्योंकि नेटवर्क ही खराब था. तो चलिए मैं आपको उनका वीडियो क्लिप भी दिखा देता हूँ. उससे पहले अगर ये अपडेट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा. हाय फ्रेंड, हाउ आर यू? शिवानी मुझे आना लाइव यूज करना. मेरा नेट नहीं चल रहा, तुम हम सिखा दिए हैं, चिंता ना करो. आवाज भी नहीं आ रही मेरे तरफ तो नहीं कर पाती, पड़े ऊपर यहाँ से ऐड किया जाता है.